नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ इमरान हिंदुस्तानी। नहटौर में दो दिन पूर्व छेद के गांव बसावनपुर में एक युवक के घर गांव के ही एक युवक ने अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की थी, जिसमें युवक को गुम चोटें आई थी, जिसको चिकित्सकों के यहां पे भर्ती कराया गया था। आज उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव बसावनपुर निवासी पवन कुमार के घर में घुसकर पुरानी रंजिश को लेकर गाँव के ही टिल्लू व उसकी पत्नी कविता ने मारपीट कर दी थी, जिसमें पवन के गुम चोटें आई थी। मारपीट के बाद आरोपी ही पवन के गाँव में उपचार करा रहे थे। उसकी हालत खराब होने पर टिल्लू ही ने नहटौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से चिकित्सकों ने सीएचसी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सीएचसी में चिकित्सकों ने पवन को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता शिव चरण ने टिल्लू व उसकी पत्नी कविता के खिलाफ मारपीट करने के बाद मौत होने की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाल पंकज तोमर का कहना है कि जांच की जा रही है। देखिए बिजनौर एक्सप्रेस के साथ संवाददाता मोहम्मद फैजान की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हो? बसावनपुर। थाने आए हो? क्या मामला? थाने का मामला है, हमारे लड़के को मार दिया। किसने मारा? टिल्लू ने, टिल्लू घर वाले। किस बात को लेकर? इनमें आपस में विवाद हुआ। किस बात का विवाद था? जोर से बोल लो। अब ये तो हमें पता नहीं था, हम दूर रहते हैं, घर पे नहीं थे। हम घर पे नहीं थे। तो कब मारा? परसों में झगड़ा हुआ मार से। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद में इसकी दवाई टिल्लू ने, उसके बाद आज लेकर आए उन्हें। अब यह जो है डॉक्टर को लेगा, डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। आपको क्या लगता है लड़का? ठीक है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।